नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 20 मार्च दिन बुधवार। खबरों के उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सक्षमता परीक्षा की आंसर की जारी, इस दिन तक दर्ज करें आपत्ति। किसानों को बागवानी के लिए मिलेगा अनुदान। शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले पर शिक्षक अभ्यर्थी करेंगे आंदोलन। बिहार विधानसभा सचिवालय में ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर करें आवेदन। ट्रैफिक लाइट रेड होने पर गाड़ी रोकने के बाद भी चालान का कटना संभव। गाने के बोल नहीं आ रहे याद तो म्यूजिक गुनगुना कर भी यूट्यूब पर ढूंढ सकते हैं म्यूजिक। आईपीएल 2024 से पहले विराट कोहली का लुक बदला। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार कैप्टन के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एसएससी फेज 12 में भर्ती के लिए भरी आवेदन तिथि। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में फेज 12 में भर्ती के लिए आवेदन की तारीखों को बढ़ा दिया गया है। 26 मार्च तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। इस भर्ती परीक्षा में आवेदन नहीं करने वाले परीक्षार्थी एग्जाम के लिए आवेदन कर सकते हैं। मालूम हो कि 10वीं और 12वीं की परीक्षार्थी बढ़ाई गई तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रालय में सब इंस्पेक्टर के पदों पर बहाली के लिए एसएससी के एग्जाम का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट कर आवेदन के विकल्प को चुनना होगा। OTR भरकर आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। किसानों को बागवानी के लिए मिलेगा अनुदान। किसानों के लिए सुनहरा अवसर है। इन्हें बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय कृषि विभाग की ओर से गांव की बागवानी हमारे गांव की कहानी के तहत अनुदान दिया जाएगा। किसान इसके लिए मिलकर आवेदन कर सकते हैं। उद्यान क्लस्टर विकास योजना के तहत गांव में कम से कम 25 एकड़ की भूमि में एक उद्यानिक फसल की खेती पर मदद की जाएगी। इसमें अमरूद, आंवला, नींबू, बेल, पपीता, गेंदा फूल, लेमन ग्रास आदि शामिल है। प्रति एकड़ में 1 लाख का अनुदान दिया जाएगा। ये 2 किस्तों में 65,000 और 35,000 के तौर पर दिया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in के उद्यानिक क्लस्टर विकास योजना के लिंक पर क्लिक कर आवेदन करना होगा। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे पादरी की हवेली के बारे में। पादरी की हवेली बिहार के पटना में स्थित 392 वर्ष पुराना चर्च है। इसकी स्थापना वर्ष 1628 में हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी उस वक्त बादशाह जहांगीर का शासन था। वर्ष 1763 में ब्रिटिश व्यापारियों के साथ झगड़े के कारण नवाब कासिम ने इस चर्च को नष्ट कर दिया था। हालांकि इतनी पुरानी इमारत होने के बावजूद भी ये अभी भी पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। क्रिसमस, न्यू ईयर, गुड फ्राइडे या ईस्टर जैसे प्रसिद्ध ईसाई धर्म के त्यौहार में यहाँ पर कई लोग पहुँचते हैं। क्रिसमस के मौके पर यहाँ की सजावट देखते बनती है। सक्षमता परीक्षा की आंसर की जारी, इस दिन तक दर्ज करें आपत्ति। सक्षमता परीक्षा की आंसर की जारी हो चुकी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से इसे जारी कर दिया गया है। समिति की वेबसाइट www.bscbsakshamta.com/login पर जाकर छात्र इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं आंसर की पर 21 मार्च तक आपत्ति दर्ज की जा सकती है। इसके लिए अभ्यर्थियों के प्रति प्रश्न 50 रुपये खर्च करने होंगे। मालूम हो कि आंसर की के जरिए शिक्षक अपने परसेंटेज का अनुमान लगा सकते हैं। वहीं परीक्षा का आयोजन 26 फरवरी से 6 मार्च तक 2 पालियों में किया गया था। शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन हुआ था। ट्रैफिक लाइट रेड होने पर गाड़ी रोकने के बाद भी चालान कटना संभव। ट्रैफिक लाइट रेड होने पर गाड़ी रोकने के बाद भी चालान कटना संभव है। वहीं ट्रैफिक लाइट के रेड होने के बाद गाड़ी को रोकना जरूरी है। रेड लाइट होने पर जेब्रा क्रॉसिंग को पार करके सड़क क्रॉस करने पर चालान कर सकता है। ऐसा करना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है। ट्रैफिक लाइट रेड होने के बाद इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि आप जेब्रा क्रॉसिंग को पार नहीं करें। मालूम हो कि ट्रैफिक नियमों का मकसद सड़क की सुरक्षा है। नियमों का पालन करने के बाद सड़क की यात्रा सुरक्षित होती है, हादसों की संभावना भी कम हो जाती है। इसलिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना जरूरी है। फर्जी डिग्री से नियुक्त शिक्षकों के मामले में हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। बिहार में फर्जी डिग्री से नियुक्त शिक्षकों के मामले में पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की पीठ ने सुनवाई की है। इस मामले में जल्द ही अंतिम निर्णय आ सकता है। पूर्व में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने समय पर कागजात या रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराने को लेकर फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई का आदेश दिया था। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट को जानकारी दी है कि बड़ी संख्या में बिहार में शिक्षक फर्जी डिग्री के आधार पर काम कर रहे हैं, साथ ही वेतन भी उठा रहे हैं। ग्रामीण डाक सेवा अब इस योजना का नहीं करेंगे प्रचार।
ग्रामीण डाक सेवक अब घर घर मुफ्त बिजली योजना का प्रचार नहीं कर सकेंगे। इसका कारण है कि देश में आचार संहिता लागू हो चुकी है। इस कारण मुफ्त बिजली योजना का प्रचार प्रसार करने पर रोक लगा दी गई है। इसके बाद अब ग्रामीण डाक सेवा के अधिकारी घर घर जाकर लोगों को इस योजना के बारे में नहीं बताएंगे, साथ ही इसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। इस योजना के तहत पंजीयन करने पर भी रोक लगा दी गई है। डाक सर्किल के डाकघरों में फिलहाल पंजीयन करना संभव नहीं हो सकेगा। मालूम हो कि योजना के लाभ को लोगों तक पहुंचाने के लिए डाक विभाग को नोडल के रूप में तैनात किया गया था, लेकिन अब अधिकारियों को इस पर रोक लगाने का निर्देश है। आपको बता दें कि देश भर में पंजीयन बंद होने के बाद डाक विभाग द्वारा शीर्ष 5 डाक सर्किल के आंकड़े जारी हुए हैं, जिसमें 677,451 के साथ बिहार को तीसरा स्थान मिला है। वही तमिलनाडु और महाराष्ट्र पहले और दूसरे स्थान पर है। बिहार के बाद उड़ीसा चौथे और असम पांचवें स्थान पर है। शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले पर शिक्षक अभ्यर्थी करेंगे आंदोलन। छात्र नेता दिलीप ने ईटीवी को दिए गए साक्षात्कार में शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि 21 मार्च को बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन करेंगे, साथ ही बीपीएससी कार्यालय का घेराव करेंगे। छात्र नेता ने शिक्षक अभ्यर्थियों के अभिभावकों से भी आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। मालूम हो कि कथित पेपर लीक मामले की जांच ईओयू कर रही है। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से परीक्षा को रद्द नहीं किया गया है। शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं। मतदाता सूची में नाम है या नहीं ऐसे करें चेक। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। ऐसे में कई मतदाता इस असमंजस में पड़े हैं कि उनका नाम मतदाताओं की सूची में है या नहीं। तो जो भी सोच में पड़े हैं, चलिए उन्हें आज हम बताते हैं कि आप कैसे अपना नाम मतदाता सूची में चेक कर सकते हैं। मतदाता सूची में नाम है या नहीं, इसे जानने के लिए सबसे पहले आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसका आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in है। इसके होम पेज पर आते ही आप सर्च इन इलेक्टोरल रोल पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपसे जुड़ी कुछ डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी। इसमें सही जानकारी दे दे। फिर आपको एक और लिंक मिलेगा। इसमें आपको ईपीआईसी नंबर, राज्य और कैप्चा डालना होगा। इसके बाद आपके सामने वोटर लिस्ट सामने आ जाएंगे, जिसमें आप आसानी से इसे चेक कर सकते हैं। बिहार विधानसभा सचिवालय में ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर करें आवेदन। बिहार विधानसभा सचिवालय में ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर 2 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। ऑफिस अटेंडेंट के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट vidhansabha.bih.nic.in पर विजिट कर आवेदन किया जा सकता है। इस पेज पर आवेदन के लिए डायरेक्ट लिंक दिया गया है। वहीं इस पद के लिए अप्लाई करने के लिए 10वीं की डिग्री का होना जरूरी है, साथ ही हिंदी और अंग्रेजी की भाषा का ज्ञान और साइकिलिंग आना चाहिए। और अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष से लेकर 40 वर्ष होनी चाहिए। गाने के बोल नहीं याद आ रहे तो म्यूजिक गुनगुनाकर भी यूट्यूब से ढूंढ सकते हैं म्यूजिक। YouTube अपने यूजर्स के लिए एक शानदार फीचर लेकर आया है। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि हमें गाने की बोल याद तो नहीं आती, लेकिन उसका म्यूजिक याद होता है और म्यूजिक गुनगुनाकर हम गाने की बोल को याद करने की कोशिश करते हैं। अगर कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो YouTube के इस नए फीचर से अब आसानी से केवल म्यूजिक गुनगुनाकर ही हम अपने उस गाने को आसानी से ढूंढ सकते हैं। हालांकि अभी इस सुविधा की टेस्टिंग एंड्रॉयड डिवाइस पर चल रही है। इसके आ जाने के बाद आप सर्च आइकन पर जाकर 10 से 20 सेकंड के लिए गाने की धुन को गुनगुनाकर ढूंढ सकते हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे राधिका रमन सिंह के बारे में। इनका जन्म 10 सितंबर वर्ष 1890 में बिहार के शाहबाद में हुआ था। ये एक हिंदी साहित्यकार थे। ये हिंदी कथा साहित्य में शैली सम्राट के रूप में लोगों के बीच प्रसिद्ध थे। साथ ही अपने समय के ये सबसे लोकप्रिय कहानीकार भी रहे। इनके प्रसिद्ध कहानियों में गांधी टोपी, हवेली और झोपड़ी, वही उपन्यास में राम रहीम, पुरुष नारी नाटक में नए रिफॉर्मर या नवीन सुधारक आदि शामिल हैं। 24 मार्च 1971 में ये हमें अलविदा कह गए। लुभावने विज्ञापन दिखाकर लोगों से हो रही ठगी। बिहार पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अपील की है। साथ ही कहा है कि ई कॉमर्स वेबसाइट पर लुभावने विज्ञापनों पर बिना सोचे समझे भरोसा ना करें। वहीं साइबर संबंधित शिकायत को दर्ज करने के लिए आप अपने नजदीकी साइबर थाना एनसीआरपी पोर्टल या डायल 1930 पर संपर्क कर सकते हैं। मालूम हो कि साइबर ठग ठगी के लिए नए नए तरीके अपनाकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। लुभावने विज्ञापन के जरिए लोगों से राशि भुगतान करने को कहा जा सकता है, लेकिन पैसों के भुगतान के बाद आप ठगी का शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए सभी को सतर्कता बरतने की जरूरत है। पहली से आठवीं कक्षा तक के वार्षिक मूल्यांकन की तिथि में बदलाव। पहले से आठवीं कक्षा तक के वार्षिक मूल्यांकन की तिथि में बदलाव किया गया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने वार्षिक मूल्यांकन की तिथि में संशोधन किया है।
बीईपी ने कहा है कि पूर्व से तय 25 मार्च की दोनों पाली का वार्षिक मूल्यांकन अब 30 मार्च को किया जाएगा। वहीं अन्य तिथि में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। तारीखों में बदलाव को लेकर बीईपी ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा है। बताया जा रहा है कि होली के कारण परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया है। हालांकि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने तिथि में बदलाव के कारणों की जानकारी नहीं दी है। राज्य के इन जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बीते कुछ दिनों से प्रदेश में बारिश की संभावना जताई जा रही थी। बीते ही दिन पटना समेत प्रदेश के कई जगहों पर बूंदाबांदी के साथ मेघ गर्जन देखने को मिले। बारिश के साथ ही प्रदेश में कई जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार में हवाएं भी चली। आज प्रदेश में अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। बिगड़ते मौसम को लेकर नालंदा, नवादा, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। इन स्थानों में एक या दो जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। यूपी बिहार बॉर्डर से 42 लोग शराब मामले में गिरफ्तार। यूपी बिहार बॉर्डर से 42 लोग शराब मामले में गिरफ्तार हुए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव और होली को लेकर पुलिस विशेष अभियान चला रही है। इसी कड़ी में गोपालगंज के भोरे थाना क्षेत्र से अर्ध सैनिक बलों के साथ विशेष अभियान चलाया गया है। इस सर्च ऑपरेशन में 14 तस्कर समेत 42 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें 28 पीने वाले लोग भी शामिल हैं। पुलिस की कार्रवाई में 405 लीटर देसी और 248 लीटर विदेशी शराब को जब्त किया गया है। इसके बाद शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में कार को भी जब्त किया है। राज्य के अन्य जिलों में भी पुलिस का विशेष अभियान जारी है। छात्राओं ने पटना में शिक्षा विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। राजधानी पटना में छात्राओं ने शिक्षा विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र स्थित कॉमर्स कॉलेज के पास छात्राओं ने बीच सड़क पर जमकर हंगामा किया है। इस कारण सड़क जाम हो गया और आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कदम कुआं थाना क्षेत्र स्थित अरविंद महिला कॉलेज की महिलाओं ने भी प्रदर्शन किया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मुख्य द्वार पर छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। दरअसल ये छात्राएं शिक्षा विभाग के आदेश का विरोध कर रही हैं। 12वीं के कक्षा का संचालन कॉलेजों में नहीं होगा, स्कूलों में ही इंटर की पढ़ाई होगी। छात्राएं इस बात का विरोध कर रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेंगलोर के लिए रवाना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निजी काम के लिए बेंगलोर के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं बेंगलोर से सीएम वापस दिल्ली पहुंचेंगे। यहां वो आज भाजपा आला कमान के साथ मीटिंग करेंगे और प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा करेंगे। इसके बाद उम्मीदवारों का नाम फाइनल किया जा सकता है। मालूम हो कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। भाजपा 17, जदयू 16, चिराग पासवान की पार्टी LJPR 5, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एक एक सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। लेकिन अभी प्रत्याशियों का नाम फाइनल नहीं हुआ है, जल्द ही उम्मीदवारों का नाम फाइनल हो जाएगा। पशुपति पारस पर आरजेडी ने कही ये बात। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया है, साथ ही एनडीए से अलग हो गए हैं। इसके बाद राजद के नेताओं का बयान सामने आया है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजद नेता तेज प्रताप यादव ने कहा है कि भाजपा में नाइंसाफी होती है। पशुपति पारस अगर महागठबंधन से चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें काफी लाभ मिलेगा। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि वो पशुपति पारस का महागठबंधन में स्वागत करेंगे। उन्होंने एनडीए को छोड़कर बहुत अच्छा काम किया है। इधर पशुपति पारस के इस्तीफे के बाद राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि भाजपा की हर सहयोगी पार्टी को इसे सीख लेनी चाहिए। बीजेपी का चरित्र यही है और मतलब निकालने के बाद वो पहचानती तक नहीं है। चिराग पासवान को अंदर लेकर आई तो पशुपति पारस को बाहर कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने जदयू से दिया इस्तीफा। लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने जदयू से इस्तीफा दे दिया है। दरभंगा से पूर्व में सांसद रहे अली अशरफ ने जदयू का साथ छोड़ दिया है। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव के पद से भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के दौरान इन्होंने कहा कि वो अपने नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए जनता दल यूनाइटेड का साथ छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे को जदयू के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि एनडीए में सीट बंटवारे से फातमी नाराज चल रहे थे, इस कारण ही उन्होंने जदयू से इस्तीफा दे दिया है। पशुपति पारस के इस्तीफे को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दिया बयान। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है।
साथ ही उन्होंने एनडीए का भी साथ छोड़ दिया है। वहीं इसको लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास करती है। बीजेपी की ओर से कुछ युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाया जा रहा है। विजय सिन्हा ने कहा है कि हमारी पार्टी पुराने लोगों का सम्मान करती है, साथ ही नए लोगों को मौका देती है। पशुपति पारस भी जानते हैं कि उनका सम्मान सिर्फ एनडीए में ही है। अभिभावकों को युवकों को आशीर्वाद देना चाहिए। पशुपति पारस देर सवेर एनडीए में वापस आएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावरे से की मुलाकात। उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावरे से मुलाकात की है। मालूम हो कि एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट की लोकसभा सीट मिली है। चर्चा हो रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ एक सीट मिलने से नाराज चल रहे हैं। इसके बाद उनकी मुलाकात भाजपा के बिहार प्रभारी से हुई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उपेंद्र कुशवाहा ने खुद ये जानकारी शेयर की है। साथ ही कहा है कि विनोद तावरे से मुलाकात कर हमने बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति पर चर्चा की है। इधर विनोद तावरे ने पोस्ट शेयर कर लिखा है कि उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात हुई है और उन्हें विधान परिषद में एक सीट देने का भरोसा दिया है। आईपीएल 2024 से पहले विराट कोहली का लुक बदला। आईपीएल 2024 के आगाज के पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पूर्व कप्तान विराट कोहली का लुक बदल गया है। फेमस स्टाइलिस्ट आलिम खान ने उनका मेकओवर किया है। इसके बाद कोहली के फैंस को उनका नया अंदाज खूब पसंद भी आ रहा है। विराट कोहली आने वाले आईपीएल में क्रिकेट के एक्शन में वापस आने वाले हैं। आरसीबी का पहला मैच सीएसके से होने वाला है। फिलहाल विराट कोहली का लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उनका लुक उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है। लोग उनके नए लुक की खूब तारीफ भी कर रहे हैं। मालूम हो कि विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ब्रेक लिया था। इसके बाद अब वो आईपीएल में नजर आएंगे। विराट कोहली के नया लुक पर आपकी क्या राय है? उनका नया लुक आपको कैसा लगा? हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1739 में नादिर शाह ने भारत के दिल्ली शहर पर कब्जा किया था। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व विकलांग दिवस मनाते हैं। आज के दिन विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं। आज के दिन विश्व प्रसन्नता दिवस मनाते हैं। आज के दिन वर्ष 1943 में एस सत्यमूर्ति ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। ये भारत के क्रांतिकारी नेता थे। उड़िया पत्रकारिता के जनक एवं स्वतंत्रता सेनानी शशिभूषण रथ भी आज के दिन वर्ष 1943 में दुनिया को अलविदा कह गए थे। आज के दिन वर्ष 1973 में अर्जुन अटवाल का जन्म हुआ था। ये भारत के पहले गोल्फ खिलाड़ी थे। आज की वायरल खबर में हम बात करेंगे इस जॉब ऑफर करने वाले फर्जी वेबसाइट के बारे में। इन दिनों एक फर्जी वेबसाइट sarvashiksha.edu.org द्वारा कई जॉब वैकेंसी ऑफर किए जा रहे हैं। ये फर्जी वेबसाइट दावा कर रही है कि ये सर्व शिक्षा अभियान का आधिकारिक वेबसाइट है, लेकिन आपको बता दें कि वेबसाइट सर्व शिक्षा अभियान का आधिकारिक वेबसाइट नहीं है, बल्कि एक फर्जी वेबसाइट है। ऐसे वेबसाइट पर विश्वास करने से बचें अथवा आपको वित्तीय या अन्य नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। पीआईबी ने भी इसे अपने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया और इसे फर्जी बताया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का खिताब किसने अपने नाम किया है? ऑप्शन ए है यूपी वॉरियर्स ने, ऑप्शन बी है गुजरात जायंट्स ने, ऑप्शन सी है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने, ऑप्शन डी है मुंबई इंडियंस ने। इसका सही उत्तर है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। किस पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन बनी है? ऑप्शन ए है शीतल देवी, ऑप्शन बी है स्मृति मंधाना, ऑप्शन सी है साइना नेहवाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है शीतल देवी। कहां पर स्टार्टअप महाकुंभ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है पटना। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 625 ईस्वी से 640 ईस्वी तक किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ऑप्शन ए है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है उदंतपुरी विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है नालंदा विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर है नालंदा विश्वविद्यालय।
बिहार में नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए है 10 अप्रैल 1930, ऑप्शन बी है 11 अप्रैल 1931, ऑप्शन सी है 16 अप्रैल 1930, ऑप्शन डी है 12 मई 1929। इसका सही उत्तर है 16 अप्रैल 1930। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है आजाद कुमार, गुड्डू, आरती यादव, नवीन कुमार यादव, कृष्ण प्रसाद, मोहम्मद साकिर हुसैन, राजीव कुमार, साबिर अली, राजकिशोर महतो, अनिल महतो, अभिषेक कुमार, अक्षय कुमार, पांडव, नौसाद राजा, आतिक खान, रंजीत मारुति, सादुल्ला पालवी, राहुल कुमार, पीयूष कुमार, नंद कुमार सिंह, रामनवमी मांझी। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में बारिश हुई है, आपके क्षेत्र का मौसम कैसा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।